हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 11 अकाउंटिंग क्वेश्चन का। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 एंड गुड्स रुपीज 30,000। उसने कहा कि बिजनेस शुरू किया गया 50,000 रुपए की कैश से और 30,000 रुपीज का गुड्स लाया, यानी वो माल लाया। तो देखें इसको ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हम यहां लिखेंगे कैश, जो भी लाया ले लो, झोली फैला के ले लो जी। स्टॉक देखें, बाद में भी तो स्टॉक खरीदना पड़ता, वो बना बनाया ले आया, ठीक है। तो क्या कहा उसने, 50,000 का कैश ले आया है और 30,000 का स्टॉक ले आया है, तो क्या दिक्कत है। देखें आपको ये पता है कि ये एसेट्स, तो यानी वो हमारी क्या हो गई, कैपिटल। टोटल क्या हो गई है, कैपिटल। तो 80,000 रुपीस की वो कैपिटल लाया। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वो ओनली कैश ला रहा था, तो उतना ही क्या था कैपिटल। अब वो क्या ले आया, कैश के साथ साथ गुड्स यानी स्टॉक भी लाया। कितना, 30,000 का दोनों को ऐड करके कैपिटल में लिख दिया। बोलो हाँ, बोलो बोलो। देखिए बहुत सिंपल है, और भी क्या देता, मशीनरी ले आया 20,000 की, फर्नीचर ले आया 20,000 का, तो 1,20,000 उठा के कैपिटल। ज्यादा सोचा विचारी करनी ही नहीं है भाई, क्यों सोचो ज्यादा, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एक बार पढ़ो एक बार में, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण। देखें अब उसने क्या किया, 30,000 का जो गुड्स है वो कैसे खरीदा है, कैश में, और क्रेडिट में कितना खरीदा है, 20,000 का। देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक का ही काम खत्म करते हैं। तो स्टॉक टोटल जो मेरे पास आया वो कितना आया, 50,000 का, कितना, 30,000 का हमने किससे खरीदा, कैश में, और 20,000 का किससे खरीदा है, करण से। तो करण से कैसे खरीदा, क्रेडिट पे। तो टोटल जो आया मेरे पास वो कितना आया स्टॉक, 50,000। आप देखें जो कैश में खरीदा होगा तो कैश कितना कम होगा, 30,000 रुपीज। बोलो हाँ करेक्ट। अब करण कौन बन गया, हमारा क्रेडिटर। तो करण साहब को यहां ले आओ, ये करण अर्जुन वाला करण नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। तो कितना आ गया ये, 20,000। बोलो हाँ, देखिए ना सिंपल सी बात है, उसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है, तो लायबिलिटीज क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ा लो, जैसा वो कहे वैसा चलते रहो, जैसा वो कह रहा है पैसा वैसा चलते रहो, वही कर रहे हैं हम लोग। उसने कहा कि 50,000 का स्टॉक आया, 30,000 का कैश में खरीदा और 20,000 का करण से। तो टोटल स्टॉक कितना मेरे पास, 50,000 का। तो जो कैश में खरीदा कैश वाले को कैश की पेमेंट, और 20,000 का कैसे खरीदा, उधार। तो कहां चला गया, लायबिलिटीज में। बोलो हाँ भाई, इससे आसान तरीका नहीं है, हनुमान जी नहीं हो जो सीना चीर के दिखा दो, समझ रहे बात को, बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चले अब इसका टोटल करते हैं हम, चले नेक्स्ट। तो टोटल इसका एग्रीगेट करेंगे तो ये आ गया 20,000 प्लस कितना हो गया, 18,000 इक्वल टू 20,000 करण के देने हैं भाई, याद रखना, करनी भरनी यही है इंसान की, नहीं दिया समय से तो ऊपर वाला लाइन में लगा देता है, इंपॉर्टेंट है, जिसका दिया है लिया है तो देना जरूर सीखें। चले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 5,500। क्या मतलब है, 40,000 की भी गुड्स की कॉस्ट थी और 55,000 का सेल हो गया। अब मजे की बात है, आपकी लागत 40,000, आपने बेचा कितना, 5,500, तो 55,000 सॉरी, कितना, 55,000। तो 15,000 क्या हुए, आ गए, क्या हो गया, प्रॉफिट। अब यही 40,000 का कितने में जाता, 25,000 में, तो क्या होता, लॉस होता, समझ रहे हैं। हमने क्या, हमारी लागत कितनी थी, कितनी थी 40,000, और हमने उसको सोल्ड कितने का किया, कितने का बेचा, 55,000 को, तो 15,000 क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉफिट हो गया। चलिए तो देखिए कैसे ट्रीट करेंगे। अब देखिए यहां बताया है सोल्ड हुआ है, नाम नहीं बताया, उधार नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 55,000 झोली फैला के ले लो, 55,000 क्या आ गए, बढ़ गए। अब
हमने क्या किया, 40,000 का स्टॉक ही तो बेचा। देखिए मैंने आपको पहले बताया 40,000 वाला माल कितने में बिका है, 55,000 में। ओहो सर 15,000 कहाँ आएंगे, वो कौन बताएगा, वो तो कोई हीरा बच्चा ही होगा जो बताएगा। वो कह देगा कि सर ये तो कैपिटल में जाएगा, क्योंकि क्या हो गया है, प्रॉफिट लाभ हो गया है। 40,000 वाली चीज 55 में बेच दी, और बेच दी तो 15,000 का। बोलो हाँ, और सिंपल है, ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। एंजॉयमेंट से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, सारी चीजें ऐसी क्लियर होंगी, बिल्कुल हीरे की तरह तराश दूंगा आप लोगों को। चले आगे बढ़ते हैं। चले देखें तो कितना आ गया, 75,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 95,000। करते जाओ जी टोटल, मुझे नहीं पता, मैं बार बार नहीं करूंगा, तुम लोग करो। 95,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 1,15,000। इसका टोटल कर लो, 1,15,000 ही आएगा, चाहे कुछ नहीं कर ले। अगर हमने प्रोसीजर बिल्कुल ठीक किया है तो आंसर आने की, देखने की जरूरत ही नहीं है जी, क्यों जरूरत पड़ेगी। सत्य को झुकने की जरूरत है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो करे ना आप अपने प्रोसीजर से चलिए जो बता रहे हैं वो। फिर वो कह रहा विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ये क्या था भाई, पर्सनल, यहां पर्सनल इम्पर्सनल क्या हो गया। पर्सनल यूज यानी उसने 10,000 रुपीज के गुड्स विड्रॉ कर लिए, गुड्स नहीं विड्रॉ किए, सॉरी उसने कैश विड्रॉ किया है। मैं दोनों चीजें बता देता हूं। अब उसने जब भी ये इस तरीके की एंट्री आ जाए, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो क्या करो, कैश कम कर दो, कैपिटल कम कर दो। मीनिंग समझिए, जब वो कैपिटल लाया था तो हमने क्या किया था, कैश भी बढ़ाया और कैपिटल भी बढ़ाया। अब वो उसमें से विड्रॉ करके ले गया, क्या ले गया, कैश विड्रॉ करके ले गया, यानी उसने क्या कर दी, ड्रॉइंग्स, क्या की, ड्रॉइंग्स। और जब ड्रॉइंग्स की तो कैश कम हो गया और क्या हो गया, कैपिटल भी कम हो गया। याद रखिए पहली एंट्री में क्या पढ़ा था हमने, कि जब वो कैश लेकर आया, जब वो व्यापार में बिजनेस में पैसा लाया, तो कैश भी बढ़ा लिया हमने और कैपिटल भी बढ़ा लिया। अब निकाल के ले जा रहा है थोड़ा सा अमाउंट, ले जा भाई तेरा ही तो है, तो ले गया, तो क्या हुआ, कैश भी कम कर दिया और कैपिटल भी कम हो गई। समझ आई बात। चलिए तो अब एक और चीज, अब इसमें वो कह देता कि वो गुड्स ले गया, क्या ले गया, गुड्स ले गया, तो क्या कर देते, स्टॉक कम कर देते। सिंपल, एक बार सिर्फ उस चीज को यहां दिमाग में नोट कर लो, मजा लेगी, आंसर गलत हो जाए। सिंपल सा मैंने बताया कि वो कहे कि कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, कैश कम किया कैपिटल कम हो गया। अब वो कह देगा जी गुड्स विड्रॉन रुपीज 5,000, तो क्या करें, स्टॉक कम कर दिया और कैपिटल कम कर दिया। क्या है इसमें, कुछ है नहीं है भाई। चले तो अब हमने क्या करना है, 10,000 रुपीज से कैश को कम करना है। करो जी करो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे तो। चले जी 10,000 ये कम कर दिया, चले जी तो कितना आ गया ये, 65,000 प्लस 40,000, बढ़ते चलिए हीरे की तरह चलिए आगे, 20,000 प्लस 85,000। अरे सर फिर टोटल करना पड़ेगा क्या, कर लो भाई, मैं ही सारा थोड़ी करूंगा बार बार, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, चारों धाम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, राम, देखो ना मिल रहा है आंसर। चले जी नेक्स्ट देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग। देखें जी कभी भी आपके पास रेंट आ जाए, ठीक है, या कोई भी आउटस्टैंडिंग आ जाए, यहां आ जाओ सीधा, सारे रास्ते छोड़ के इस द्वार पे पहुंच जाओ। अब वो कह रहा है जी रेंट आउटस्टैंडिंग, मगअप कर लो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, मगअप कर लो थोड़ा सा, कि रेंट आउटस्टैंडिंग आया, कोई भी आउटस्टैंडिंग आया उसको यहां लिखना और कैपिटल में से माइनस करना है। तो कितना है, 2,000 रेंट आउटस्टैंडिंग, कितना, 2,000, और इतना ही क्या होगा सर, कैपिटल में से लेस हो जाएगा। जब उसकी पेमेंट कर देंगे तो कैश भी कम हो जाएगा, समझ रहे, और आउटस्टैंडिंग हमारा खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ,
बोलो। चलिए, आउटस्टैंडिंग आपको पता होगा, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जिसकी हमने सेवाएं तो ले ली है लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं किया है, जिनकी हमने क्या किया है, सेवाएं तो ले ली है लेकिन उनका भुगतान नहीं किया है, यानी वो दे रहे हैं, यानी हमें देना है, तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। तो यहां आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो चलें जी फिर से चलेंगे, टोटल कर लो फिर से, $65,000 + $40,000 = $20,000 + $2,000 = $83,000। मिलाओ जी मिलाओ, आंसर मिलाओ। अरे मिलाने की जरूरत नहीं है, जब पहले ही मिले हुए हैं, समझ रहे। ज्यादातर क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, ध्यान से रखिए। बार बार अगर कोई क्वेश्चन है, देखिए अकाउंट्स पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, प्रैक्टिस। क्वेश्चन को कम से कम स्टार्ट में जब आप करने जा रहे हैं, कम से कम एक दो बार कर लो, दो से तीन बार कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, फिर वो आपको ट्रेन में आ जाएगा आराम से, फिर आप बड़ी आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके जैसे भी एक दो ट्रांजेक्शन में अटक सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि एक बार में आप सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कर पाएंगे। एक कहावत है, अतिशय रगड़ करे जो कोई और अनल प्रकट चंदन सो होई, यानी अगर अतिशय रगड़, यानी आप किसी चीज पर रगड़ करते हैं अच्छे से, जैसे चंदन है कितना कोमल होता है, अगर उसको रगड़ते जाएंगे तब भी उसमें क्या है, आग पैदा कर सकते हैं। तो वही चीज है ना, मोटिवेट रहो, ढंग से पढ़ो, कोशिश करो, करते रहो, प्रैक्टिस करो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।